सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए डाटा प्लान बनाया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा डाटा को अपना हथियार बनाएगी। आपको बता दें कि भाजपा ने हर जिले को डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया है। हर जिले को कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं हर जिले में डाटा एकत्रित करने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है, जिसके लिए प्रदेश कार्यालय में 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। 28 फरवरी तक डाटा संकलन का काम पूरा किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर जो डाटा प्लान बनाया है, इसकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी, डाटा प्लान जो बनाया गया उसके तहत यहाँ पर तमाम तरह की जो जानकारी है वो बीजेपी द्वारा एकत्र करी जाएगी। 1 लाख लोगों को प्रत्येक जिले में जोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख लोगों को जब जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उनका डाटा भी फीड किया जाएगा, और डाटा के माध्यम से योजनाओं का ब्यौरा, योजनाओं का लेखा जोखा, योजनाओं की जानकारी और जो कार्यकाल में जो बेहतर हो रहा है उसकी जानकारी सभी लोगों को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का लक्ष्य है, प्रत्येक जिले में अगर 1 लाख लोगों को जोड़ लेंगे तो 1 लाख लोगों को अगर उनकी जानकारी एकत्र कर लीजिए, उनको ब्यौरा दिया जाएगा, उनको योजनाओं की जानकारी दी, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो 1 लाख लोगों को जो डाटा जोड़ा जाएगा प्रत्येक जिले में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर ग्रुप में यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। और जब वोटर बन जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम चीज़ों पर आश्वस्त हो जाएगी कि हम अब यहाँ पर प्रत्येक जिले में हमारा 1 लाख लोग है, वो हमारे समर्थक तैयार हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर तैयारियों का जो एक प्लान है उसके लिए बीजेपी लगातार काम करती है। तो फिलहाल उन्होंने डाटा प्लान का एक जो एक मसौदा है तैयार किया है। 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, प्रत्येक जिले में 1 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद यहाँ पर शुरू होगी। गौरव, बीजेपी का किन सीटों पर अधिक फोकस होगा? देखिए बीजेपी का सीटों पर अलग फोकस वाली बात नहीं है मयूरी। यहाँ पर प्रत्येक जिले के लिए उन्होंने बनाया डाटा प्लान, उन्होंने प्रत्येक जिले के बनाया है कि जहाँ पर ज्योति जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की बात करते हैं तो जिलों में यहाँ पर डाटा प्लान बनाया जाएगा। और डाटा प्लान के तहत 1 लाख लोगों को प्रत्येक जिले में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहाँ के संगठन प्रभारी, वहाँ के जिलाध्यक्ष और तमाम जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन सब पे जिम्मेदारी दी जाएगी कि इसके लिए एक बैठक भी हुई थी जहाँ पर 6 लोग लगभग जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो शामिल हुए थे। और पदाधिकारी को वहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में 1 लाख लोगों को जोड़ना, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसका लक्ष्य 28 फरवरी तक रखा गया है। उस लक्ष्य के माध्यम से यहाँ पर निकाय चुनाव को भी बेहतर तरीके लड़ने की तैयारी है, और लोकसभा चुनाव जिसमें 1 साल का समय बचा है, कहीं ना कहीं बीजेपी दोनों पदकटाओं पर, दोनों चुनावों पर बहुत मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर चुकी है। गौरव, क्या चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए संगठन में भी हाल में बदलाव हुआ, आपने देखा जैसे यहाँ पर हमारे सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री थे, उनको यहाँ पर प्रदेश में उनका हटाकर उनको जो है राष्ट्रीय व्यवस्था पर बनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं धर्मपाल सिंह सैनी यहाँ पर उनको संगठन में पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर पद मिलता है तो पद की यहाँ पर व्यवस्था होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं, और बदलाव के माध्यम से यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें होती रहती है। अभी हाल में हमने देखा है कि सुरेंद्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अभी भूपेन्द्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीज़ों को साधने का प्रयास किया है। तमाम तरह की कवायद चल रही थी, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चल रहा था, स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम चल रहा था, दोबारा उसे जिम्मेदारी मिल सकती है, और कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी चल रहा था। पर बीजेपी तमाम कयासों को दरकरार करते हुए यहाँ पर भूपेन्द्र चौधरी को यहाँ पर पद दिया है, जो कि पंचायती राज मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार में थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी समय समय बदलाव करती रहती है, और संगठन में बदलाव की बात करें या पदाधिकारियों में बदलाव की बात करें, जिम्मेदारी बदलाव करें, चलता रहता है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। इटावा में सपा ने अपने वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए बयान से पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अशोक यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया है। उन्होंने बताया कि पार्टी की विचारधारा किसी धर्म से जुड़े हुए मुद्दे के खिलाफ करना नहीं है। रामचरितमानस का पाठ सपा का हर कार्यकर्ता करता है। उन्होंने कहा कि सपा हर धर्म से जुड़े ग्रंथों का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से किनारा कर लिया है।
बता दें, सपा ने अपने वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए बयान से पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अशोक यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया है। लगातार उनके विवादित बयान के बाद सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा करती है हर धर्म का सम्मान। सपा प्रवक्ता अशोक यादव बता दें, वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस को लेकर दिए बयान से सपा ने किनारा कस लिया है। प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अशोक यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया है। पार्टी की विचारधारा किसी धर्म से जुड़े हुए मुद्दे की खिलाफत नहीं करना है, उन्होंने कहा है। रामचरितमानस का पाठ सपा का हर कार्यकर्ता करता है। उन्होंने कहा कि सपा हर धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से किनारा कर लिया है। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, उससे सपा ने अब किनारा कस लिया है। लगातार ये अपने ही विवादित बयान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाई हैं, जो दोहे हैं, कि जो नीच जाति के लोगों को उनके अपमान को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं कि उन चौपाइयों को हटाना चाहिए, उस पर प्रतिबंधित करना चाहिए। इन्हीं बयानों को लेकर एक राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मच गई है और सभी विपक्ष पार्टियाँ उनको लगातार उन पर कह रही हैं। वहीं हिंदू संगठन भी लगातार कह रहा है कि उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक जो हमारे धर्म के एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस पर वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ग्रंथों का निर्धारण कर रहे हैं। वही बिहार के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि ये जो ग्रंथ है ये एक झूठा धर्म है, हमें अधर्म है और इस ग्रंथ को हमें हटाना चाहिए, इस पर ग्रंथ पर कार्रवाई करें। तो ऐसी तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और इसको देखते हुए अब सपा के जो नेता शिवपाल यादव, उनका भी यही कहना है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अपना व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का ये बयान नहीं है। हम लोग भी राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलते हैं, ना कि ये हम उनके खिलाफ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सपा है वो उनसे पल्ला झाड़ रही है, उनसे उनके बयान पे सहमत नहीं हो रही है। साथ ही शिवपाल का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव अभी बाहर गए हैं, वो आएंगे तो इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनको साफ तौर पर कहना है कि हमें इनके बयान से सहमत नहीं है और ये इनका व्यक्तिगत बयान है। ये कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे जो सवाल उठाएं ये गलत है, उनका साफ तौर पर ये कहना है। सुहानी, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बता दिया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि जब से ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए हैं, तब से जितने भी विपक्ष हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उनके खुद के जो पार्टी, चाहे अपना यादव हो, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि जो रामचरितमानस है ये हमारा एक पवित्र ग्रंथ है और उसके ऐसी कोई भी चौपाई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे भगवान राम के चरित्र को बताया गया है, जो हमारे जीवन है उसे कैसे सही से चलना चाहिए वो सब बताया गया। उसमें ऐसे कोई चौपाई, ऐसे कोई दोहा नहीं है जो कि शूद्र हो, चाहे नीच जात के उनको अपमान किया गया हो, तो वो अपनी इस बयान को वापस ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अपनी बातों पे अभी अड़े रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही करना है कि उन चौपाइयों को हटाना चाहिए, उसे प्रतिबंध करना चाहिए। वहीं विपक्ष के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही करना है कि उन पे कार्रवाई करें, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है एक वो पवित्र ग्रंथ है और उसके हम सब पालन करते हैं। भगवान राम के जो चरित्र है वो किसी दुनिया और छिपाने की बात नहीं है, सभी को पता है कि भगवान राम का चरित्र क्या था और वही रामचरितमानस में दिखाया गया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो इल्जाम लगाए हैं उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये इल्जाम है और उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म और वही दूसरी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। दूसरी तरफ जो हिंदू के महासंगठन है, साफ तौर पर वहाँ उनका भी यही कहना है कि इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और स्वामी प्रसाद मौर्य पे
और उनको कहा जाए कि अपने जो बयान दिए हैं उसे वापस ले और माफ़ी मांगे। तो ऐसे तमाम जो विपक्ष हैं उन पर प्रतिक्रियाएँ दे रही हैं, नेता भी लगातार उनके विरोध कर रहे हैं कि जो ये अपना बयान दिए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है वो एक पवित्र है और उन्हीं के राम के जो भी चरित्र थे उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं और उनके जो भी चरित्र था उसी का हम लोग पालन करते हैं और उसी उनके चरित्र को आज टारगेट किया जा रहा है, उसको अधर्म बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएं जो है ऐसे विपक्षों की तरह से आ रहा है। सुहानी, स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से ऐसे बयान देते आए, इससे पहले भी देखें तो वो धर्म को लेकर तमाम बातें कहते आए, इससे पहले उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, तो क्या वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हैं या क्या कुछ एजेंडा लेकर चलते हैं? जी, आपको बता दें कि ऐसे तमाम विपक्ष जो नेता हैं उनका यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने चुनावी जो मामला आ रहा है उसमें अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या एक ये चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये बयान दिया है और अपने आप को एक दिखावे के लिए या ये बोलिए कि ये एजेंडा है उनका कि हम पार्टी में बने रहें और हाईलाइट रहें। तो साफ तौर पर कैसे कई ऐसे नेता हैं जिनका यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ऐसे अपने बेबाक और जो हमेशा विरोधी जो अपनी बयानबाजी करते हैं उसके लिए वो बने रहते हैं और कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी मुद्दों को लेके और चुनावी मुद्दे में बने रहने के लिए ये अपना बयानबाजी कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ सपा नेता का भी यही कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत है, हमारे पार्टी का ये बयान नहीं हो सकता है। तो उनका साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया और वो अपने बयान से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जी, धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है। बसपा ने चुनाव में जीत के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। वहीं इस अभियान में बसपा ने दलित युवाओं पर मुख्य फोकस किया है, वहीं मुस्लिम और पिछड़ों को तरजीह दी है। साथ ही इस अभियान में बसपा का नए कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य है। वहीं इस अभियान के जरिए बसपा 18 मंडल के ग्राउंड जीरो पर उतरेगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, 2024 के चुनाव को लेकर बसपा एक्शन मोड में नजर आ रही है, बसपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी मयूरी, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी जमीन तलाशने के लिए अब गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य काशीराम जब बांग से दल चलाए करते थे दिल्ली से, उस वक्त वो कहीं ना कहीं देखिए तो मंच नहीं, कोई कुर्सी नहीं, बल्कि जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आते थे। उसी फॉर्मूले को पार्टी अपना कर गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर में हर एक विधानसभा के अंदर में 2 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और साथ ही दोनों कोऑर्डिनेटर लोगों के बीच जाकर चाट पट्टे यानी कि त्रिपाल पर बैठ कर जमीन पर बैठ कर लोगों से संवाद करेंगे। साफ तौर से उनका इसका उद्देश्य यही होगा कि हम सब एक बराबर बराबरी में बैठे और समस्याओं को आमने सामने सुन ले। और वही अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो कि 2012 के अंदर में 26 फीसदी वोट पाई थी, वही अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर और 22% हो गया था। और वही अगर बात करें 2022 की, 2022 में काफी गिरावट आकर और ये 8% 12% पे चला गया। तो बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर काफी चिंतित है और वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही 2027 को लेकर अभी से भी तैयारियां की जा रही है। वही आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी के पास अभी महज 1 विधायक है और बात की जाए तो विधान परिषद में 1 सदस्य है। और बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं और जो पिछड़े हैं इनसे मिलकर हम इनकी समस्याओं को बात करेंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार, साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी समस्याओं को हम पटल तक पहुंचाएंगे। वही आपको बताएं कि
गांव चलो अभियान की जो पूरी कमान है वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के पास है। वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएंगे, वहां कोऑर्डिनेटरों से मिलकर और कहीं ना कहीं जो बसपा का खोया हुआ जमीन है उसको वापस लाने की तैयारी करेंगे। विवांशु, देखा जाए जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तो जो बसपा का कोर वोट है वो बिखरता हुआ नजर आया है, तो ये जो बसपा कवायद कर रही है उसे कितना फायदा मिलेगा? जो उसके वोट बिखर गए हैं अपने पाले में जो लाने की कोशिश कर रही है, कितना फायदा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसे साफ तौर से आने वाले चुनावों के बाद ये साफ होगा कि इससे कितना फायदा मिला, मगर सभी दलों के अपने अपने अभियान चलना है। इसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं है। गांव चलो अभियान के तहत वो अपने खोए जमीन और जो उनका वोट बैंक था, खासकर ओबीसी एससी एसटी समाज का, उसको वापस अपने तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। बात करें तो 2014-12 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी का पतन हो रहा है, और आपने देखा कि 2012 चुनाव में जो 26% वोट पाई वो 2024 में 22 में आकर विधानसभा चुनाव में वो 12% हो गया। तो कहीं ना कहीं देखे तो आधे से ज्यादा वो परसेंटेज में घटोतरी देखने को मिली। और वहीं अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद, यानी कि स्वयं बसपा के सुप्रीमो मायावती के भतीजे के पुत्र आकाश आनंद का कहना है कि हम अपने युवा प्रकोष्ठ युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं आपको बताएं कि विधान परिषद बहुजन पार्टी के विधान परिषद के सदस्य भीमराव अंबेडकर का कहना है कि हम हर एक वर्ग को जोड़ेंगे, और जो बसपा का कोर वोटर था, चाहे बात की जाए ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य, चाहे दलित, चाहे अति पिछड़ा, चाहे शोषण, कोई भी वर्ग का हो, जो भी हमारे साथ रहा है, हम उसको वापस साधने का प्रयास करेंगे। और आपको बताएं कि जहां एक तरफ सुश्री मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम लोकसभा हो या विधानसभा हो या कोई चुनाव हो, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसका ऐलान कर चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम अपने जो समाज है उसका विकास चाहते हैं तो हमें सत्ता की चाबी वापस पानी होगी। अब आने वाले समय में निकाय चुनाव और साथ ही साथ 2024 के चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि बसपा किस तरह का प्रदर्शन करती है और गांव चलो अभियान से कितना उसको लाभ होता है। जी मयूरी, विवांशु, जैसा अभी आपने बताया कि सभी पार्टियां अभियान चला रही है, वही अगर देखे तो बीजेपी गाँव गाँव चलो घर घर चलो अभियान चला रही है, वही अब बसपा गाँव चलो अभियान आ रही है, तो कितना एक दूसरे को टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2014 के अंदर में भी गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई थी भारतीय जनता पार्टी का की तरफ से, मगर खासतौर से अगर देखें तो एक बड़ा उनको कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला था, और भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के बाद सत्ता में रिपीट की थी और भारी मतों के साथ विजेता बनी थी 2014 के चुनाव में। उसी तरह से कहीं ना कहीं अब भाजपा और बसपा एक ही तरह का अभियान चलाकर लोगों से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां बसपा गांव चलो अभियान का शुभारंभ कर रही है उसमें वो कितना अपने खोए हुए जमीन को वापस पाने पा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को जहां वो परसेंटेज में अगर आप तुलना करें 2012 से 26% जब 2022 में आए तो 12% हो गया है, तो कहीं ना कहीं बसपा का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में भारी गिरावट देखने को मिला है, और इसको लेकर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो चिंतित है, विचार विमर्श करके और वापस इस जनाधार को पैदा करने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो लगभग 400 दिन से कम चुनाव में बचे हैं, और चुनाव के बाद ये साफ हुआ कि उनकी कैंपेनिंग कितना लाभदायक हो सकी और कितना पार्टी को जनाधार ला सके। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के बीकेटी में बने एसआरएस कॉलेज के हॉस्टल में 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का राज अब गहराता चला जा रहा है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह की मौत की घटना ने अब हत्या की जांच का विषय बन गया है। कॉलेज प्रबंधन ने बयान बदलने से परिजनों का शक गहराया है। हॉस्टल परिसर ने मौत का कारण खाना खाने के बाद टहलने के दौरान गिरना बताई थी, तो वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण ब्रेन हैमरेज, रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डियां टूटना सामने आया था। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लगातार कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बयान बदलना और सीसीटीवी का परिसर में न होना एक बड़ी अनहोनी को भी दर्शाता है। प्रिया को
हमारी 8 तारीख को मैं 7:57 पर बात हुई। प्रिया बिल्कुल फिट थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी, राजी खुशी हुई बात पूछी गई तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 9:04 पे मॉडर्न मैम का फ़ोन आता है कि प्रिया मैस में खाना खा के आ रही थी और वो रोड पर गिर गई है, जिसकी वजह से बेहोश है, हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमने कहा इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गया। थोड़ी देर में फोन आता है कि मतलब कांस्टेबल का कि वो उसकी डेथ हो गई है, हॉस्पिटल में है। उस दिन बहुत हालत ठीक नहीं थी सभी लोगों की। ये बयान उनके पहले दिन के थे। अभी मैं कल गया, जब फिर से मिला तो विद्यालय प्रबंधन पूरी बात को बदल रहा है। थाना क्षेत्र BKT में स्थित SR स्कूल का छात्र प्रिया राठौर गिरने के वजह से इंजर्ड हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, फिर उन्होंने वहीं पे उनको मृत घोषित किया गया। उचित टाइम पे स्कूल द्वारा और पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दिया गया था, परंतु विलंब से आज 23/1/2023 रात 10:30 परिजन थाने पर तहरीर दिया है। दिया हुआ तहरीर के आधार पर मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 में पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन का कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ में जो संदिग्ध परिस्थिति में प्रिया राठौर की मौत हुई थी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें? देखिए मोहिनी, आपको बता दूं कि ये घटना 20 तारीख की है, विगत 20 जनवरी की है, जिसमें BKT में एक हॉस्टल है, SR ग्लोबल हॉस्टल, काफ़ी बहुचर्चित हॉस्टल भी है, और इसके पीछे जो इसके जो चेयरमैन है वो भी एक BJP के बड़े नेता बताए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि रात के तकरीबन 7:07 उसकी पिता प्रिया के पिताजी ने उसे फ़ोन किया था, बहुत बेहतर तरीके से बात हुई थी। उसके बाद से रात 9:30 तकरीबन उसके पास आता है, उनके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि वो अस्पताल में है, उसे हॉस्पिटल प्रबंधन जो अस्पताल ले गया, उसमें उसको बेहोश हो गई, बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कुछ देर बाद पुलिस के द्वारा फ़ोन किया जाता है इसके पिताजी को, प्रिया के पिताजी को, तब उन्हें सूचना मिलती, फिर वो अगले दिन जालौन से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वो स्कूल प्रबंधन में जाते हैं, क्योंकि हालांकि गर्ल्स हॉस्टल होने की वजह से वो ही उनका ही बयान था कि वो अक्सर बहुत कम जाते हैं, और जाते भी थे तो केवल बाहर मिलते थे। और कुल मिला के देखा जाए तो हॉस्टल प्रबंधन ने शुरुआत में ये थ्योरी बताई कि वो खाना खाने के बाद टहलने के बाद उसकी मौत हो गई, और उसे बेहोशी हालत में ले गया जहाँ अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और वहीं कुछ दिनों बाद, वहीं आज कल की बात है, अस्पताल प्रशासन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वहाँ पर ये जाहिर हुआ कि इसकी जो मौत है, इसकी मौत की कारण सबसे बड़ा ब्रेन हैमरेज है, और इसके एक रीढ़ की हड्डी के पास थोड़ा सा फ्रैक्चर और 3 उंगलियाँ भी टूटी हुई थी। तो कुल मिला के ये थ्योरी जो अस्पताल और उसकी कॉलेज प्रबंधन की थी वो बिल्कुल नहीं मिलती थी, क्योंकि कॉलेज प्रशासन एक तरफ कह रहा था कि उसकी मौत हो गई और वो टहलने के दौरान वो गस खा के गिर पड़ी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मोहिनी की, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अस्पताल प्रशासन से जो कॉलेज प्रबंधन है, उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि साफ और जाहिर की बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज़ मुमकिन आ जाती है, तो यही सबसे बड़ा सवाल ये हुआ। इस वजह से इसके पिताजी को, राम सजन पिताजी हैं, जालौन में रहते हैं, और तकरीबन 3 दिनों से अपने यहीं पर थे, लखनऊ में रुके हुए थे, इस वजह से उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, पुलिस के साथ वो गए, कॉलेज प्रबंधन का हालचाल जाना, वहाँ पे देखा, पूरा मौका मुआयना किया, उसके बाद जो स्पॉट था वहाँ पर भी गए। तो कुल मिला के देखा गया ये है कि उसके पिताजी संतुष्ट नहीं थे। तो कल सागर, जो इस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने अपने बयान बदले हैं, तो इस पर परिजनों का अब क्या कुछ कहना है? उन्होंने शक जताया है उनके बयान पे, तो क्या कुछ कहना है परिजनों का? देखिए मोहिनी, बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक स्कूल की 8वीं की छात्रा आपके परिसर में टहलने के दौरान उसकी मौत हो गई, क्योंकि इसके पीछे मौत के कारण कई राज भी हो सकते हैं, क्या पता। और सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि मोहिनी, ब्रेन हैमरेज अगर हुआ होता तो उसके रीढ़ की हड्डी क्यों टूटती? और तीसरी बात है कि 3 उंगलियां टूटी है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ कॉलेज प्रबंधन ने शुरुआती दौर में ये बताया कि पुलिस को गुमराह किया और उसके परिवार को गुमराह किया, क्योंकि वहाँ पर 250 बच्चे मौजूद थे, 250 बच्चे थे, और वहाँ पर तकरीबन स्टाफ भी था, तो अच्छी खासी तादाद में स्टाफ था, तो उन बच्चों में किसी ने भी नहीं बताया
कि उसके साथ ये हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है। उसके बाद पुलिस जांच करती है, पुलिस को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके उसे बयान दे सके या बता सके कि उस रात क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि 7 बजे जब उसके पिताजी ने उसे फ़ोन किया था तो 1 घंटे बाद 7:30 8 के बाद ये कैसे घटना हो गई कि अचानक से एक अच्छा हष्टपुष्ट शरीर वाला व्यक्ति गश खाकर गिर पड़े और उसकी वहाँ पर मौत हो जाए। तो कुल मिलाकर पुलिस ने 302 की धाराओं में, हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की जांच करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्राइम टीवी इसका फॉलोअप लेता रहेगा और दर्शकों को बताता रहेगा कि उसकी मौत की असल वजह क्या थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तमाम ऐसे केसेस देखे हैं, लखनऊ हो चाहे अन्य ज़िले हो, वहाँ पर आखिरी में गुत्थी पुलिस खोली देती है। तो देखने वाला सवाल ये होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस रिपोर्ट बना रही है और एक तरफ कॉलेज प्रशासन के बयान पर पुलिस रिपोर्ट बना रही है, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है और किन दोषियों को क्या क्या सजा दी जाती है। जी, धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।